नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तरफ से, यानी कि CGWB की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। कौन कौन सी पोस्टें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। अब देख सकते हो ये ऑफिशियली वेबसाइट है, इसके बाद ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख सकते हो। आपको यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल दिखाएंगे। सेंट्रल ग्राउंड वाटर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से आपको नागपुर की तरफ से, सेंट्रल रीजन नागपुर की तरफ से ये पोस्टें ओपन हुई हैं। ठीक है जी, कौन कौन सी पोस्टें हैं, टोटल में पोस्टों की बात करें तो 26 पोस्टें हैं, जिनमें से इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्टें हैं, जनरल की 9 हैं, एक्स सर्विसमैन इकोनॉमिक विकास सेशन की 7 हैं, OBC की 4 हैं, SC की 6 हैं। पोस्ट कौन सी है जी, पोस्ट नेम है स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है। इसमें पे स्केल आपका ग्रुप सी की पोस्ट है, पे स्केल आपका 19,000 से अभव रहने वाला है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें 18 से 27 साल मांगी हुई है, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो 40 साल मैक्सिमम एज मांगी हुई है। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो भी इसमें एजुकेशन भैया क्या मांग रखी है, तो इसमें एजुकेशन है जी आपकी 10वीं पास मांगी हुई है, और आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और साथ में मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज भी होनी जरूरी है। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में आपको नंबर प्लेट रीडिंग नोट करनी आनी चाहिए। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जी, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी कह लें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है, रेगुलर पोस्ट है। प्लेसिंग कहाँ पर होगी, एनीवेयर इन इंडिया आपकी कहीं पर भी प्लेसिंग होगी, और इसमें प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल के लिए आपको एज ए टेम्परेरी रखा जाएगा, और उसके बाद आपको परमानेंटली कर दिया जाएगा। ये ऑफलाइन मोड में फॉर्म है जी, आपने फॉर्म फिलअप करके कहाँ पर सेंड करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रुप सी मिनिस्ट्रियल, इस एड्रेस पर आपने ये पोस्ट सेंड करनी है। कैसे करनी है, रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो। क्या जी, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर CGW सेंट्रल रीजन NS बिल्डिंग अपोजिट द ओल्ड VCA सिविल लाइन नागपुर का पूरे का पूरा दे दिया है। बट जो आपने एनवलप में फॉर्म डालने हैं, उस एनवलप के ऊपर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड मेंशन करना है जी, इसके बिना आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल इन्होंने बता दी है। अब इसके बाद बात करते हैं ऑफिशियली फॉर्म की। हाँ, अगर कोई भी आप कहीं पर वर्क कर रहे हो ना, जॉब कर रहे हो, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको उस डिपार्टमेंट, यानी कि अगर सेंटर से, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या PSU से, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर आप वर्क कर रहे हो, तो वहीं से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होगा, भी बंदा जॉब कर सकता है, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं है, भी बंदा कहीं पर अप्लाई कर सकता है। वो आपको उस डिपार्टमेंट जिसमें वर्क कर रहे हो, उस डिपार्टमेंट से ये बनवाना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं कौन से फॉर्म अप्लाई करना है। ये आपको नेक्स्ट में फॉर्म अप्लाई कर दे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपने फ़ोटो लगानी है, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, बड़े बड़े अक्षरों में ब्लॉक लेटर में, जैसे ये फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन लिखा, बड़े बड़े अक्षरों में आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका मेल फीमेल, कैटेगरी कौन सी है, नेशनलिटी क्या है, परमानेंट और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस। हाँ, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, पूरी ध्यान से डिटेल देखिएगा। और आपने 10वीं किस बोर्ड से की है उसकी डिटेल, ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी डिटेल, या 3 साल का एक्सपीरियंस ड्राइविंग का उसकी डिटेल, यहाँ पर मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज है या नहीं, यस या नो, वो डिटेल, आपको हिंदी या इंग्लिश में नंबर प्लेट लिखनी या पढ़नी आती है उसकी डिटेल, अगर कहीं पर एम्प्लॉई हो तो उसका एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट नंबर होगा। ठीक है, कहीं पर आपने सर्विस की है पहले या नहीं किया, या ऑल इंडिया में आप करने के लिए इच्छुक हो तो उसकी डिटेल। ठीक है, इसमें कौन कौन सी सेल्फ टेस्टेड कॉपी लगानी है आपकी, 10वीं, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ,
कास्ट अगर कोई है तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कहीं पर एम्प्लॉई हो तो एम्प्लॉय कार्ड, और कोई डिटेल है तो वो भी डिटेल आपने साथ में मेंशन अटैच करनी है मेंशन करके। और यहाँ पर आपका डेट और प्लेस, जिस डेट को भर रहे हो, कौन से प्लेस से भर रहे हो, यहाँ पर आपके एप्लीकेशन, आपके सिग्नेचर, जो एप्लीकेंट अप्लाई करेगा उसके सिग्नेचर होंगे, साथ में आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट लगाने हैं जी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। 10वीं आपकी कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें लगानी है। और साथ में आपको रीजनल हेडक्वार्टर से अगर कोई आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ से जॉब के सर्टिफिकेट लगाना है, और एम्प्लॉयमेंट कार्ड भी लगाना है अगर जॉब कर रहे हो, ठीक है। और सारे के सारे फॉर्म आपने साथ में अटैच करने हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप examjobalert.com पर भी विजिट कर सकते हो। इसमें कल मॉर्निंग को ही आपको पूरी पूरी डिटेल दे दी गई है। 10वीं बेस पर 26 पोस्ट हैं, 19,900 से 63,200 तक पे स्केल रहने वाला है। हैवी मोटर व्हीकल आपका एक्सपीरियंस, ड्राइवरी लाइसेंस मांगा है, 1 से 3 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 23 जुलाई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है जी, 22 जुलाई तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे, यानी कि ऑफलाइन मोड में आपने 22 जुलाई तक अपने फॉर्म फिलअप सबमिट करवा देने, यानी कि आपके 22 जुलाई तक फॉर्म, सॉरी 22 अगस्त तक फॉर्म पहुंच जाने चाहिए। स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट है जी, ठीक है। इसमें आपको पूरी डिटेल पोर्टल पर पहले ही अवेलेबल करवा दी है। जनरल की 9 पोस्ट है, OBC की 4 पोस्ट है, इकोनॉमिक वीकर सेशन की 7 पोस्ट है, SC की 6, एक्स सर्विस मैन की 2, टोटल में 26 पोस्ट है। 18 से 27 साल 22 अगस्त तक आपकी एज मांगी हुई है। और 22 अगस्त तक आपका फॉर्म कहाँ पर पहुँचना चाहिए, तो ये एड्रेस आपको पूरे का पूरा मेंशन कर दिया गया है, ठीक है जी। और यहाँ पर आर है, ई नहीं है, डायरेक्टर आर है, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। और इस एड्रेस पर आपने 22 जुलाई तक अपना फॉर्म भेजना है। आपके पहले तो शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेशन की जाएंगी, और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल होने वाला है, ठीक है जी। ये सारे प्रोसेस आपको यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, आपको प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।